नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्पीक अप इंडिया कैंपेन के बारे में। जी हाँ, क्या है ये स्पीक अप इंडिया कैंपेन जो हर तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्विटर पर भी ये कल ट्रेंडिंग रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी कल ही यानी 28 मई सुबह 11 बजे से ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी नेता बड़े ही जोर शोर से इस कैंपेन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कोई सोशल मीडिया ट्विटर आदि पर वीडियो भेज रहा है तो कोई ट्वीट करके इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है। ये हम देखिए शमा मोहम्मद जी, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। आगे है शशि थरूर जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम सीट। इसी कड़ी में है राजस्थान के अशोक गहलोत जी। सभी बड़े कांग्रेस नेता अपना अपना सपोर्ट इस मूवमेंट को दे रहे हैं। ये हैं अजय माकन जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, जिन्होंने कि मीडिया के सामने मोदी सरकार से कुछ मांगे रखी हैं स्पीक अप इंडिया मूवमेंट के तहत। क्या है मांगे, आइए जानते हैं। प्रथम मांग है प्रवासी नागरिकों को सकुशल बिना किराया लिए उनके घर पहुंचाया जाए। दूसरी मांग ये है कि हर गरीब परिवार को 10,000 रुपये तत्काल सहायता दी जाए। तीसरी मांग के तहत 7,500 रुपये गरीब परिवार को 6 महीने तक दिए जाए। और चौथी मांग में मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी की सीमा को 200 दिन किया जाए। तो ये था स्पीक अप इंडिया मूवमेंट के बारे में सब कुछ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।